हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। अपने गृह नगर के दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनता दरबार शनिवार को भी सर्किट हाउस में लगा रहा। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान आज भी कई संस्था और संगठनों ने उन्हें ज्ञापन सौंपे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सदस्यों की बैठक लेकर उन्हें चुनावी की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन प्रतिनिधियों से मिलने के दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले नारायण राम बेड़ा सहित कई नेता शनिवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। गौरतलब है कि बाड़मेर और पाली में जाट सीट होने के कारण जाट समुदाय के जनप्रतिनिधि अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि बेड़ा ने कहा कि वो गोपालगढ़ की समस्या को लेकर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमले आदि चुनावी स्टंट है। वहीं मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में आम जन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिले के तूफानी दौरे के तहत जोधपुर से हेलीकॉप्टर से सीधे जिले के लोहाउट विधानसभा पहुंचे। गहलोत यहाँ लोहाउट में गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कस्बे के पुलिस थाने के पास खेल मैदान में धन्यवाद सभा में पहुंचे। इस दौरान सभा में ग्रामीणों की खासी भीड़ उमड़ी। इस दौरान मंच से मंत्री साले मोहम्मद ने मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत का नाम लेते हुए जनता से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत को जनता की सेवा के लिए जनता ही आगे लाए। मंच पर ओसिया की कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना भी मौजूद रही। वहीं मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोहाउट सभा के बाद जोधपुर के सलावास पहुंचे। यहां उन्होंने धन्यवाद सभा में भाग लेते हुए आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रति समर्थन जुटाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सालावास सभा में लोगों ने शहीदों के परिवार की सहायता को के चेक सौंपे। इस सभा में जोजरी नदी में प्रदूषण मुद्दा उठाया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मांग की गई। वहीं सभा में बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल, लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई, शहर विधायक मनीषा पवार और पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी मंच पर मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जोधपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक फीडबैक भी लिया। गहलोत ने लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए सभी को एकजुटता के साथ गांव, कस्बे और शहर महानगर अलावा डाणियों में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती का संदेश दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए सर्किट हाउस में राजस्थान सरकार के मंत्री प्रमोद जैन बाया, सहकारी मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़, एक मनीषा पवार, कांग्रेस नेता संगीता बेनीवाल, पवन मेहता, हरे सिंह, अशोक चौधरी और इकबाल खान भी पहुंचे। सवाल के अंदर है, हजारों करोड़ के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आपको समझना है कि हमें एक एक सीट हमारे जरूरी है, जीतना जरूरी है। वापिस यूपी गवर्नमेंट बनी थी तो क्या क्या नहीं हुआ, उनको बदनाम कर दिया गया। वरना नरेगा उस पर माया शूटर का अधिकार आ गया, शिक्षा का अधिकार आ गया, कानून बना के अधिकार मिला आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार मिल गया आप लोगों की। अगर गरीब का बच्चा इंग्लिश स्कूलों में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा अच्छे नंबर लेके, उसकी फीस भी सरकार भरेगी प्राइवेट स्कूल के अंदर, उसको नहीं भरना पड़ेगा। ये कानून बन गया, कभी नहीं हुआ। खाद्य सामग्री का कानून बन गया, 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे पूरे मुल्क के अंदर मिलेंगे। हमने और ये कदम आगे बढ़ के कर दिया है कि 2 रुपए नहीं
हम गरीबों को 1 रुपए किलो गेहूं दे देंगे, शुरू कर दिया। कर्जा माफी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, किसान जो वृद्ध है, लघु सीमांत किसान, अगर वो पेंशन में नहीं आते हैं तो हमने आदेश जारी कर दिए उनको पेंशन मिलेगी। 11 लाख लोग ऐसे हैं लघु सीमांत किसान, उनको पेंशन देने लग जाएगी इस महीने से। लंबी चौड़ी लिस्ट है हमने।